हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो न्यूज़ इन हिंदी में, जहां हम देते हैं आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर जरूरी खबर और रखते हैं आपको क्रिप्टो वर्ल्ड से ही अपडेट। तो दोस्तों, आज की खबर ये है कि साउथ कोरियन क्रिप्टो करेंसी एंड टोकन एक्सचेंज बिटहम ग्लोबल ने भारत में बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल और इसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलने का फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि साउथ कोरियन कंपनी इस टाइम पर ग्लोबली सबसे बड़ी बिटकॉइन एक्सचेंज है और ये भारतीय क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म जैसे ज़ेप्पे, वाजीरेक्स और यूनोकॉइन के लिए एक राहत के रूप में आई है, जो कि एक ब्लैंकेट बैन की जगह क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए रेगुलेशन की मांग कर रही है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिटहम जो है वो इंडियन मार्केट को एक्सपेंड करना चाहती है और को फाउंडर और MD जेवियर सिम ये दावा करते हैं कि कंपनी जो है वो इंडियन एक्सचेंज और फंड क्रिप्टो स्टार्टअप्स के साथ काम करना चाहती है। आगे वे कहते हैं, वी आर ओपन टू टॉकिंग टू रेगुलेटर्स वर्किंग विद देम टू बी अ रेगुलेटेड एक्सचेंज। वी आर स्ट्रॉन्ग ब्रांड फ्रॉम कोरिया एंड डू नॉट इन्वॉल्व आवर सेल्व्स इन अनरेगुलेटेड और इलीगल ट्रेड। मतलब कि उनका कहना है कि हम रेगुलेटर्स से बात करने के लिए तैयार हैं और एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं। हम कोरिया की एक बेहद अच्छी और स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और खुद को अनरेगुलेटेड और इलीगल ट्रेड में शामिल नहीं करते। वहीं निश्चल सेठी, जो वाजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के को फाउंडर और CEO हैं, उन्होंने पहले कहा था कि वाजीरेक्स को उम्मीद है कि अथॉरिटीज़ जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी पर क्रिप्टो के इम्पैक्ट को एक्नॉलेज करेंगे। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि सरकार को क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के बजाय रेगुलेशन लाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है कि कोरियन बेस्ड कंपनी भारतीय सरकार के साथ बिटकॉइन के रेगुलेशन पर बात करना चाहती है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार ग्लोबल इकोनॉमी पर क्रिप्टो के पॉजिटिव इम्पैक्ट को समझेगी और जल्द ही भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन लेकर आएगी। इसके बाद दोस्तों, जो अगली खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इथेरियम नेम सर्विस ऑक्शन के दौरान जिन हैकर्स ने 17 इथेरियम डोमेन नेम चुराए थे तो उन्होंने उन सभी को वापस करने का फैसला लिया है। 4 अक्टूबर को डिजिटल कलेक्टिबल्स मार्केट प्लेस OpenSea ने कहा कि चुराए गए सभी ENS नेम सफलतापूर्वक वापस मिल गए हैं और आने वाले हफ्तों में डोमेन पर फिर से बिडिंग स्टार्ट होगी। दोस्तों आपको बता दें कि सितंबर की शुरुआत में ENS बिडिंग प्रोसेस को एक हैकर ने एक्सप्लोइट किया था, जो दूसरे उपयोगकर्ताओं की तुलना में लोअर बिड के लिए 17 डोमेन्स नेम को चुराने में सफल रहा था। ऑक्शन को चलाने वाले OpenSea ने बताया कि एक बग ने उनके पार्टिसिपेंट्स को ENS डोमेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जिन्होंने हाईएस्ट बिड नहीं लगाई और चुराए गए डोमेन्स नेम जिसमें एप्पल ETH, डेफी ETH, वॉलेट ETH और पे ETH शामिल थे और इन सभी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था और हैकर ने इन सभी डोमेन्स को वापस देने के लिए एक अट्रैक्टिव ऑफर देने का प्रॉमिस किया था। OpenSea कहता है कि हम ऑक्शन सिस्टम में वल्नरेबिलिटी लाने के लिए यानी कमजोरियों को एक्सपोज करने वाले काम की सराहना करते हैं और इन कमजोरियों को एक्सपोज करने के लिए आपने जो काम किया है उसके कंपनसेशन में हम आपके द्वारा दिए गए हर एक नेम के विनिंग बिट प्राइस को 25% देने के लिए तैयार हैं। साथ ही हम आपको परचेज प्राइस भी वापस कर देंगे। वहीं एक डोमेन coffeeshop.eth पहले ही 100 रैप ईथर की बिड रिसीव कर चुका है, जिसकी कीमत प्रेस टाइम के अकॉर्डिंग लगभग $14,000 है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और क्रिप्टो वर्ल्ड से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर नज़र।